गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो मैं आपका होस्ट विजय आज फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। जी हाँ, बहुत दिनों के बाद एक वीडियो लेके आया हूँ। कुछ एक रीजंस थे जिनकी वजह से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था। एक्चुअली मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई थी, तो इसके लिए मैं वहाँ थोड़ा सा बिजी था। तो आज जो हम जिस फिश के बारे में बात करने वाले हैं, आप देख के समझ गए होंगे शायद, मैं अगर फोकस करके आपको दिखाऊं तो। जी हाँ, आज मैं जिस फिश के बारे में बात करने वाला हूँ वो ये मैडम है। जी हाँ, ये है हमारी ब्लैक गोल्ड। अब ब्लैक गोल्ड जो है, तो उसके बारे में बात करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ब्लैक गोल्ड जो है, तो आपने भी रखी होगी, कई सारे दोस्तों ने रखी होगी, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं उन्होंने रखी होगी, और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के मुझे क्वेश्चंस भी आते हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के मुझे ऐसा पूछते हैं कि यार हम लोग तो गोल्ड फिश रखते हैं, हमारी गोल्ड फिश तो थोड़े दिन बाद मर जाती है, ऐसे फूल के ऊपर आ जाती है, फंगस लग जाती है, या तो फिर उसकी स्किन जो है वो डेड होने लगती है, उसके फिन्स कटने लगते हैं, तो तेरे पास जो गोल्ड फिश है उसको कुछ क्यों नहीं होता है। तो उसका जो मेन रीजन है वो ये है कि आप सबसे पहली बात तो ये है कि आपको चार से पांच चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। पहली चीज ये कि गोल्ड फिश जो होती है, जो ब्लैक गोल्ड जो होती है, बेसिकली हम लोग यहाँ ब्लैक गोल्ड की बात कर रहे हैं, तो ब्लैक गोल्ड जो होती है, तो सबसे पहले तो वो क्या है, वो एक गोल्ड फिश है, ठीक है, वो एक गोल्ड फिश है, बस उसको थोड़ा सा हाइब्रिड करके बनाया गया है जिससे कि वो थोड़ी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो जाती है। अब सोफिस्टिकेटेड क्यों होती है, तो पहला रीजन कि वो बहुत स्लो स्विमर होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो बाकी फिश के कंपेरिजन में ये बहुत स्लो स्विमर होती है, और इसको अपनी बॉडी का बहुत सारा मूवमेंट करना पड़ता है थोड़ा सा भी मूव होने के लिए, क्योंकि इसके फिन्स जो होते हैं, मैं थोड़ा सा पास में ले जाकर आपको दिखाता हूँ, इसके फिन्स जो होते हैं तो वो पीछे से ऐसे खुले हुए होते हैं, ऐसे सिंगल नहीं होते हैं। तो सिंगल जिनके होते हैं, जैसे कि मैं सिंगल में आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये जो फिश है मेरे पास में, ठीक है, ये मेरे पास में शुभम किन फिश है, तो ये जो फिश है तो इसकी जो फिन्स है वो इस टाइप की है, उससे क्या होता है कि वो जल्दी तैर लेती है, और जिनके फिश जिनके फिन्स पीछे से मैं आपको दिखाऊं, अगर ऐसे होते हैं ऐसे ऐसे करके, उनको क्या होता है ना कि फिर वो ऐसे ऐसे करके वो होती मूव, तो उसमें क्या होता है कि उनको बहुत स्लो स्विमिंग होता है, ठीक है। तो पहली चीज, ये स्लो स्विमर होते हैं, दूसरी चीज इनको अपनी बॉडी की बहुत सारी एनर्जी सिर्फ स्विम करने के लिए ही लगानी पड़ती है, तीसरी चीज जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि इनकी आंखें होती है बहुत बड़ी बड़ी, देखिए आप इनकी आंखें जो है वो बहुत बड़ी बड़ी आंखें होती है, और अलग से बाहर निकली हुई होती है, इसीलिए जो है तो आपको इनको बहुत ध्यान रखना है कि आपके एक्वेरियम के अंदर। अब देखो, ये तो चलो हो गया कि इस फिश के बारे में जो मैंने आपको बताया कि अच्छा ठीक है ये क्यों इतनी सोफिस्टिकेटेड हो जाती है, अब मैं आपको बताऊं वो चीजें जिनसे आप अपनी गोल्ड फिश को मरने से बचा सकते हो। पहली चीज, जब भी आप किसी शॉप से गोल्ड फिश लेके आओ उसको चेक करो, गोल्ड फिश के ऊपर ज्यादातर गोल्ड फिश के मरने का जो सबसे प्राइमरी रीजन है वो है फंगस, व्हाइट फंगस। अब आप देखो मेरी, आपको मैं गोल्ड फिश दिखाता हूँ पास में जाके, मेरी गोल्ड फिश के ऊपर आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिखेगा जिसे आप फंगस कह सकें। बेशक थोड़ी सी स्किन खुदरी है तो वो कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर आपकी गोल्ड फिश के ऊपर आपको अगर हल्का सा भी व्हाइट स्पॉट दिख रहा है या फिर ऐसा कुछ फंगी जैसा दिख रहा है, तो आपको उसको तुरंत ही वहां से रिमूव करना है। अब कैसे रिमूव करना है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, पहले मैं आपको बताऊं कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि क्योंकि ये बहुत ही स्लो स्विमर है, इसके साथ में कभी भी ऐसी फिश को मत डालिए, चाहे वो सॉफ्ट फिश भी क्यों ना हो, वो फिश हार्ड फिश नहीं है। आपने मान लिया, शॉपकीपर ने आपको बोल दिया कि भैया ये हार्ड फिश नहीं, आप रख सकते हो, आपकी फिश को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बेशक वो आपकी फिश को नहीं खाएगी, वो उसको नहीं पिंच करेगी, बट क्योंकि वो फास्ट स्विमर है जो आप लेके आए हो, अगर उसको आपने ब्लैक गोल्ड के साथ रख दिया तो वो उसे जब उसका मूवमेंट होगा ना ऐसे फास्ट, तो आपकी गोल्ड फिश कभी यहाँ टकराई कभी वहां टकराई, तो उसकी आंखों को फूटने का डर है, उसकी आंख को लगने का डर है, ठीक है। अभी जैसे कि आप देखेंगे कि मेरे पास में जितनी भी फिश है ना, आपको वो सारी की सारी फिश जो है वो स्लो स्विमर ही है, हल्की फुल्की है लेकिन एकदम बिल्कुल फास्ट नहीं। जैसे कि कुछ होती है, मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे कि मुझे एकदम से याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ अगर आपने इसके साथ में डाल दिया, जैसे कि गोल्ड फिश डाल दी लेकिन उसके अगर फिन्स बहुत ज्यादा है, या फिर आपने अगर उसके साथ में शुभंकिन डाल दी जो कि बहुत बड़ी है, या फिर तीन चार शुभंकिन डाल दीजिए, क्योंकि शुभंकिन तो वो तो फास्ट तैरेगी। अभी आपको दिख रहा है कि मेरे पास में सिर्फ एक है शुभंकिन, और वो भी बहुत स्लो स्विमर है, ये इतना फास्ट ही तैरती है, कब तैरती है, जब वो स्ट्रेस में होती है, ठीक है। तो पहली चीज, आप अपनी ब्लैक गोल्ड के साथ में कोई भी फास्ट मूविंग फिश नहीं डालें। दूसरी चीज ये कि आपकी जो एक्वेरियम का पानी है, आपके एक्वेरियम का पानी हमेशा क्रिस्टल क्लियर क्लीन होना चाहिए,
क्योंकि अगर साफ पानी होगा सेहतमंद फिशेज होगी और आप भी अंदर से सेटिस्फाई होंगे कि हाँ भैया हमने फिश रखी हुई है। क्योंकि हम फिश क्यों रखते हैं, या तो आप किसी को दिखाने के लिए रखते हो या तो खुद हॉबी के लिए रखते हो, ठीक है। तो अगर आपने दिखाने के लिए भी रखा हुआ है तब भी आपकी फिश हेल्थी होगी, तभी तो सामने वाला बोलेगा कि हाँ भैया कितना अच्छा मेंटेन किया हुआ है। और अगर खुद ने भी रखी हुई खुद के लिए भी, तब भी आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि भैया मेरी फिश हेल्थी है, जो भी चीज मैंने सेटअप करी है वो सही है, ठीक है। तो दूसरी चीज तो ये हो गई कि ठीक है भैया आपका पानी एकदम क्लीन होना चाहिए। तीसरी चीज ये हो गई है कि अगेन आपके जो एक्वेरियम है, आपके एक्वेरियम के अंदर बायोमीडिया है कि नहीं है। देखो बायोमीडिया अगर आपको पता नहीं है तो बायोमीडिया का मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, आप वहां जाके देख सकते हैं कि बायोमीडिया क्या होता है। तो आपके फिल्टर के अंदर बायोमीडिया होना बहुत जरूरी है, जिससे कि प्रॉपर जो बैक्टीरिया है वो आपके पानी में आएंगे, उससे आपके पानी के अंदर जो अमोनिया डेवलप होता है। अब आप पूछेंगे अमोनिया क्यों होता है, हम तो कुछ भी नहीं करते। तो भैया आपकी फिश जो पॉटी करती है उससे अमोनिया डेवलप होता है पानी के साथ मिक्स होके, ठीक है। तो वो अमोनिया आपकी फिश की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो उस अमोनिया को जो ब्रेकडाउन करता है वो करता है वो बैक्टीरिया जो आपका बायोमीडिया से बनता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाऊं यहां पे मेरे ऊपर देख लीजिए आप, ये मैंने अपना राउटर सेटअप किया हुआ है एक्चुअली इसके ऊपर। और आप देखिए मैंने यहां पर पूरा इधर बायोमीडिया डाल के रखा हुआ है। मैं आपको टॉप व्यू भी दिखा देता हूं, तो ब्लैक गोल्ड देखिए बहुत सुंदर है आपके एक्वेरियम के लिए और ये सबको रखना ही चाहिए। बस कुछ नहीं, बस आपकी बाकी जो फिशेस हैं उनके साथ में इनका थोड़ा सा मेंटेनेंस है कि देखो हार्ड फिश हमें हम सबको बहुत पसंद होती है हार्ड फिश की भैया, क्योंकि बहुत सुंदर होती है वो हार्ड फिश। लेकिन हार्ड फिश को मत लेके आओ, कुछ भी मत लेके आओ। अगर गोल्ड फिश है आपके पास में, अगर ब्लैक गोल्ड है तो बिल्कुल ही नहीं लेके नहीं आना है। भले ही आपको चाहे आपको आपका शॉपकीपर बोल दे कि भैया ये तो सॉफ्ट है इसको ले जाओ, तो उसको देखो कि वो भैया फास्ट तो नहीं तैर रही है या मतलब ऐसा कुछ, उसका मूवमेंट देखो, उस फिश को देखो पिंच तो नहीं करती है। और उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं कि अगर आपने कोई बड़े मुंह की फिश ले ली तो क्या होगा कि वो जो है तो दाना जल्दी खा जाएगी, क्योंकि ये स्लो मूविंग फिश है तो इससे कहीं लग ना जाए। आप अगर देखेंगे तो मैंने अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं रखी हुई जिससे इसकी आंखों को प्रॉब्लम हो, इसलिए ये ज्यादातर इसी एरिया में तैरती रहती है। और जो कोई भी आता है बोलता है कि भाई यार तूने ब्लैक गोल्ड तेरी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे से रखी हुई है, कैसे मेंटेन करना है। तो आज ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप सबको पता चले कि ब्लैक गोल्ड का मेंटेनेंस जो है वो इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, ठीक है। फिर अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक खुदा हाफिज़, नमस्कार, सबका खैर।